जर्मनी के बाद मिशन डेनमार्क पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताएं कि कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने खुद उनकी अगवानी की है। ढोल नगाड़ों के बीच ढोलक के थाप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। दो तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी और वहीं एयरपोर्ट पर ही जोरदार स्वागत किया गया, खुद अगवानी की है। और सीधा हम रुख करते हैं कोपेनहेगन का, जहां पर अंजना ओम कश्यप की मौजूदगी आप सभी दर्शकों तक लगातार पल पल की तस्वीरें और पल पल की अपडेट अंजना साझा कर रही हैं। अंजना, आज कितना महत्वपूर्ण दौरा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, दोनों देशों के लिए, आर्थिक सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से, और क्या आज की गतिविधियां रहने वाली है अंजना? बिल्कुल, देखिए सबकी नजर अब से कुछ ही देर में जो यहां पर बैठक होने वाली है, बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक यहां पर उनका, और यहीं पर दोनों को आप सामने देखेंगे, प्रेस ब्रीफिंग दोनों यहां पर करेंगे बैठक के बाद जो बायलैटरल होने वाली है। आपको बता दें एयरपोर्ट पर जो भव्य स्वागत की तस्वीरें आपने दिखाई है, दरअसल ऐसे ही भारतीय आपको डेनमार्क में अलग अलग कोपेनहेगन में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर भी दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीयों में यहां पर जबरदस्त हलचल है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें, जल्दी से आपको एक बार वो नजारा भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी बता दें कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले वर्षों में कैसे रहे। देखिए, दो दशक में अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में आए थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला बड़ा दौरा है। इससे पहले मनमोहन सिंह भी एक बार आए थे, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज में हिस्सा लेने के लिए उस फंक्शन में कोपेनहेगन आए थे, कोई भी बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी दोनों देशों के बीच में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल बाद आ रहे हैं, बायलैटरल हो रहा है डेनमार्क के साथ। अगर पूरी स्थिति को आप देखें, दोनों देशों के रिश्ते को देखें, तो किम देवी का नाम बार बार आता है। 1995 में पुरुलिया में जो वेपन्स ड्रॉपिंग यानी हथियार गिराने का, जिसे भारत आरोपी मानता है, उसको भारत प्रत्यर्पण करने के मामले में भारत की ये मान थी कि हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं, सहयोग नहीं मिल रहा है डेनमार्क की सरकार से, इसीलिए रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट बीच में आई थी। 2016 में फिर गुजारिश हुई भारत सरकार से कि प्रत्यर्पण उसका किया जाए, लेकिन एक बार फिर से अब आप देख रहे हैं कि उस पर बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंच रहे हैं और यहीं पर दोनों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होगी। एक बार अगर यहां से हम दिखाएं आपको, ये आवास है, हम उनके कैंपस में ही इस वक्त मौजूद हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक हैं उनके घर से ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं, ये उनका निवास है, और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर उनके साथ बायलैटरल टॉक करने वाले हैं। ये जो कासल है उसमें उनके घर पर ही ये बैठक होगी और फिर यहां दोनों नेता प्रेस ब्रीफिंग करेंगे।